ये सब सच है क्या? सच है। मैंने सोने की गिरनियां मांगी थी, मांगी थी, पर मैंने पैसे दिए थे जनता भेज थे पैसे मैंने। क्या जिंदगी की बचत से वो 101 सोने की गिन्नियां खरीदी हैं। अरे मेरी तरफ क्या देख रही है? तुझे अपनी बड़ी मम्मी की बातों पर यकीन नहीं है ना? चल अपने पापा से पूछ ले। अरे ये भी वहीं थे जब मैंने गिन्नियां बांटी थी। क्यों जी बताइए। परागी बेटा, संजय बाबू, ये बात तो सच है कि चंदा ने आपके एक एक रिश्तेदार को लिफाफे के साथ सोने की गिन्नियां दी थी, बल्कि आपके परिवार के लोगों के सामने ही यह आदान प्रदान हुआ था। पापा ये हाँ बेटा ये बात सच है। अरे देखा संजय बाबू, आपके पूरे परिवार के सामने दी गई थी वो गिन्नियां। आपको फिर भी यकीन नहीं होता ना, तो अपने रिश्तेदारों से पूछिए, जिन्हें वो गिन्नियां मिली थी वही गवाही देंगे। बताइए दी थी ना हमने आपको गिन्नियां? आप बोलिए, आपको मैंने दी थी ना गिन्नी? आप भी तो थे वहां। दी थी गिन्नियां? हाँ ये बात सच है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। हमें तो लगा कि ये अपनी मर्जी से दे रहे हैं ये सोने की गिन्नियां। हे भाई साहब, शादी का घर है, 100 खर्चे तो इधर उधर आते ही रहते हैं। अरे मैं भला अपनी मर्जी राजी खुशी से 101 सोने की गिन्नियां बांटती क्यों फिरूं? हमारी कोई औकात है क्या? तो सुषमा जी ने गिन्नियां मांगी तो मैंने दे दी। सुषमा जी आप ही बताइए, क्या आपने गिन्नियां नहीं मांगी थी? हाँ या ना? आपको आपके बेटे की कसम। हाँ मांगी थी मैंने कि वो देख पाठकों की बड़ी बहू है ना, इसने दहेज मांगा। वो तो पता नहीं, पर अपने ही बेटे की शादी में ऐसी बेइज्जती कभी किसी माँ की नहीं हुई होगी। मुंह ही काला करवा लिया इसने तो अपना। सच में लड़की ऐसे दहेज लेने वालों के घर में क्यों जाना चाहती है? क्यों दूल्हे को रोक रही है? संजय प्लीज रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। अभी भी ऐसी दहेज की लालची औरत के घर बहू बन के जाना चाहती है? नहीं नहीं, गाली गाली मत लगो, मैंने दहेज नहीं लिया। माँ ने नहीं लिया मैंने। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ माँ।
क्या बात है, मारी डालोगे? सुबह हुई है, शुभ शुभ बोली मिस्टर हस्बैंड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, इतनी दूर से? थोड़ा थोड़ा पास से। अब हुई ना गुड वाली मॉर्निंग। जो हाल दिल का इधर हो रहा है वो हाल दिल का उधर हो रहा है। जाने जा दिलों पे प्यार का अजब सा असर हो रहा है। ये सब सिर्फ एक सपना था, फिर सपना कभी सच नहीं हुआ, कभी नहीं। होगा ये सपना सच? ओम साई राम, मुझे आशीर्वाद दीजिए साईनाथ महाराज जी। आज मकर संक्रांति, कहते हैं आज से उत्तरायण शुरू होता है, एक नए दिन की शुरुआत होती है आज। कैसे करूंगी नई शुरुआत? अगर मेरी विदाई हो गई होती तो आज मकर संक्रांति के शुभ दिन मेरी जिंदगी की नई शुरुआत मेरे ससुराल में होती, संजय के साथ। संजय के साथ मैं अपने यूपीएससी की सक्सेस सेलिब्रेट कर पाती, पर सब गलत हो गया। गलत तो बहुत हुआ है माँ के साथ, और वो बात नहीं बुला पा रहा हूँ। कैसे मेरी माँ सबके सामने डरी सहमी हुई, चेहरे पर कालिक पोती हुई खड़ी थी। जब भी ये बात सोचता हूँ मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। उस पर तो पता नहीं क्या बीत रही होगी, बस कैसे भी अपनी माँ को धीरे से निकाल लूं। मैं जानती हूँ कि मम्मी दहेज की मांग कभी नहीं कर सकती, लेकिन बड़ी मम्मी पापा यहाँ तक कि संजय के परिवार ने भी कहा कि 101 सोने की गिन्नियां दी गई थी। इसलिए अब सच क्या है और झूठ क्या है इसकी तह तक मुझे पहुंचना होगा। जब तक इसका सोल्यूशन नहीं निकल जाता मैं प्रॉब्लम्स पे बैठकर रोने वालों में से नहीं हूँ, बल्कि उनका सलूशन ढूंढकर सब कुछ पहले जैसा हंसी खुशी करने में विश्वास रखती हूँ। आप तो जानते हैं ना, बस अब आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस प्रॉब्लम की तह तक पहुंचकर सब कुछ पहले जैसा हंसी खुशी कर सकूं। हाँ, डॉक्टर आके सुषमा को चेक करके गए, कह रहे थे कि जितना खुश रख सको उतना रखो। इसीलिए तो संजू ने दिल पे पत्थर रख के ये डिसाइड किया है कि थोड़ा बहुत मकर संक्रांति का सेलिब्रेशन तो करना ही चाहिए, सुषमा भी बेटर फील करेगी। बिल्कुल आशीष। अभी अभी आप ही की बात कर रहे थे। ठीक लग रहा है विनोद जी? जी मैं ठीक लग रही हूँ ना? हाँ, दाग तो नहीं है चेहरे पे, सब साफ है ना? ठीक लग रही हूँ ना मैं? हाँ बिल्कुल ठीक लग रही है आप सुषमा जी, कुछ नहीं। कोई दाग तो नहीं है, काला दाग चेहरे पे? कुछ नहीं। आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। आपको पता है आज मकर संक्रांति है और आपके फेवरेट तिल के लड्डू और रेवड़ियां। अच्छा बता किसने बनाए हैं, गैस कर। संजू ने। मैंने गाइड किया लेकिन सारी मेहनत इसने की, इसलिए गोल नहीं बने, शेप से थोड़े से बिगड़े हुए हैं लेकिन टेस्टी पूरे। अरे मुंह से ही तारीफ करेगा, खिलाएगा नहीं? खिला खिला खिला।
आपके फेवरेट तिल के लड्डू। क्या हो संजू, इतना क्या सोच रहा है? साइन कर। बाजार जा रहा हूं, मकर संक्रांति के कुछ सामान लेना। आता संजू देख लो अब है। मैं समझ रहा हूं बिग ब्रो, भाभी से रिश्ता तोड़ पाना आसान नहीं है आपके लिए। भरोसा है आपके इस लक्ष्मण को आप पे, और भाभी पे भी। वो भी ये रिश्ता ऐसे नहीं तोड़ेगी। अब बस देखना ये है कि किस्मत आप दोनों को एक दूसरे के आमने सामने लाकर कब खड़ा करती है, ताकि सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो सके आप दोनों के बीच में। परु, तूने सोच लिया है ना? आई एम श्योर अबाउट इट। मैंने यूपीएससी क्लियर किया है यार, आगे की फॉर्मेलिटीज तो पूरी करनी होंगी ना। हाँ, मतलब इतना सब कुछ हो गया है, मुझे लगा कि तू मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होगी। डिस्टर्ब्ड हूँ पर कमजोर नहीं। संजय से सीखा है हर हाल में लड़ते रहना। पर आगी, तू बहुत स्ट्रांग है, तुझमें एक आइडियल स्मार्ट मॉम की सारी क्वालिटीज है। देखना बनेगी तेरी पर एकदम स्मार्ट मॉम। माना संजय और मेरे बीच डिस्टेंस है, गलत फहमियां हैं। उसने मुझे भूलने का मौका भी नहीं दिया और सीधा चला गया। पर किसने कहा कि सब कुछ ठीक नहीं हो सकता? माना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तू देखना मैं सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दूंगी। पर फिलहाल हमें अपनी आईएएस वाली फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। इतनी मुश्किल से अपॉर्चुनिटी मिली है, इसे जाया नहीं जाने दे सकते। इधर देख, तुझे याद है मैंने तुझसे कहा था कि हम लड़कियों को हर एक चीज मैनेज करके चलना पड़ता है, घर जॉब दीन दुनिया सब कुछ। अब मेरी बारी है सब कुछ बैलेंस करके चलने की। और फिर हम आईएएस ऑफिसर को तो ट्रेनिंग दी जाती है हर सिचुएशन से फाइट करने की, हमारे पास हारने का ऑप्शन ही नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, मेरी टेंशन की जरा भी टेंशन मत ले और अपने गोल पे फोकस कर। पता है ना तुझे, संजय के यूपीएससी क्लियर ना करने का दोष भी मेरे ऊपर ही आया था। पहले हम जाकर फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते, फिर संजय से कैसे और क्या बात करनी है वो मैं बाद में सोचूंगी। और तू देखना, आज तो मकर संक्रांत है, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। भारतवर्ष की संस्कृति, भक्ति संगीत और कथाओं के अद्भुत संगम का हो रहा है भव्य शुभारंभ। स्वर्ण स्वर भारत, स्पेशल पार्टनर राजेश मसाले, 22 जनवरी से रात 8 बजे। पापा, हमारे घरों में कहा जाता है ना कि भांजी भतीजी का कन्यादान उसकी शादी बेटी की शादी से ज्यादा बड़ी होती है। बड़ी मम्मी ने उस मर्दान का अपमान किया है आज। देख रहे क्या अनाप शनाप बोल रही है ये? सीधे सीधे बोल,
कहना क्या चाहती है? घुमा मत बात को। इन्होंने सुषमा माँ के मुंह पर कालिक पुतवाकर संजय मेरे प्यार पे हमारी शादी पर कालिक मली है। देखा, मैं जीत गया ना आपकी वजह से। आपने साबित कर दिया कि आप दुनिया की बेस्ट मोमो। एक माँ भले ही खुद पूरी दुनिया से हार जाए, लेकिन अपने बच्चे के लिए सबसे लड़ सकती है और उसे चिता भी सकती है। तुझे कभी हारने नहीं दूंगी सच, कभी नहीं। और आप जब तक मेरे साथ हो, कभी नहीं हारूंगा, कभी भी नहीं। I'm so happy, माँ। क्या आप स्माइल कर रहे हो? विनोद जी, जी जी अब लग रहा है कि हम त्योहार मना रहे हैं, है ना? बिल्कुल। संक्रांति के त्योहार का यही तो संदेश होता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और उम्मीद का दामन थाम कर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। अरे देखो कैसे माँ जैसी बड़ी मम्मी को ये क्या क्या बोल रही है। अदिति जा बेटा, रसोई घर से ना लाल मिर्ची लेकर आ, इसकी नजर उतारनी पड़ेगी। नहीं क्या अनाप शनाप बोलते जा रही है ये। इतना बड़ा यूपीएससी का एग्जाम इसने टॉप किया है ना, इसलिए इसको किसी की नजर लग गई होगी। कोई ना कोई झूठ बोलकर बरगला रहा है तुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा जो तू सोच रही है, सच में। अच्छा कुछ नहीं ऐसा, आइए। खाइए अपने बेटे की कसम और कहिए कि मैं झूठ बोल रही हूँ। पराजी देख रहे हैं क्या अनाप शनाप पक रही है ये? इसका मतलब जो मैंने कहा वो सच है। आपने एक माँ होकर दूसरी माँ के साथ ऐसा किया, वो भी उसके बेटे की शादी वाले दिन। झोंका हवा का आज भी ज़ुल्फ़ें उड़ाता होगा ना, तेरा दुपट्टा आज भी तेरे। क्यों तुम्हें अपने ज़हन से नहीं निकाल पा रहा हूँ? क्यों मेरे हर ख्याल में घर करके बैठी ऊपर आ रही? मत करो मुझे इतना परेशान, मत बनो इतनी बुरी बराकी। मेरा साथ यहीं तक का था, पर आज मेरी देवी जैसी मां की जो हालत है, उसके बाद मैं कभी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को माफ नहीं करूंगा। बड़ी मम्मी मैं आपको इतनी बुरी लगती हूँ कि सब कुछ हंसी खुशी हो रहा था और आपने सब खत्म कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। रामायण में कैकेयी ने अपने कमाए हुए वचन के एवज में पुत्र हक मांगा था, लेकिन वो कुमाता नहीं थी और तू पूतमो में सारी हदें पार गई। कतई नर्क मचा दिया तूने। देखना संजय, आज तुम्हारी परागी वो करेगी जो कभी किसी पत्नी ने नहीं किया होगा और ना ही किसी बहू ने। जो करूंगी इतिहास रचूंगी, बस देखना तुम। मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे। रात दिन तेरे लिए सजदे करूं, दुआएं मांगूं रे, मैं यहाँ
ये क्या तमाशा कर रही हो तुम? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? ये तो वही रस्म है जो नई नवेली दुल्हन के लिए लड़के वाले करते हैं, यहाँ तो ये खुद ही कर रही है। लो, आ गई तुम्हारी पराठी। मम्मी मैं जानती हूँ आपके सामने माफी मांगने के लायक नहीं हूँ मैं, लेकिन ये भी जानती हूँ कि एक माँ अपने बच्चों को हर हाल में माफ करती है। उसी भरोसे बेटी अकेले गई अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करी, लेकिन ये उसके लिए आसान नहीं होगा। उस घर में सारा कलेश डालने वाली मेरी खुद की बीवी और उसकी ताई है, संघर्ष करना पड़ेगा उसे। मैं जानता हूँ जब अपने ही अपनों के खिलाफ हो जाते हैं तो उनका मान प्यार दिल जीतना कितना कठिन हो जाता है, और मैं ये भी जानता हूँ कि आपका आशीर्वाद है तो सब मुमकिन है। मेरी बच्ची के इस जंग में आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। अगर आपका आशीर्वाद है तो वो सब कर लेगी, कर लेंगी ना महाराज? आज मैं इस घर में आई हूँ, खुद का गृह प्रवेश खुद किया है, अब इस घर में अपनी जगह भी खुद ही बनाऊंगी। देखा है मैंने, कहते इस घर में मंदिर सा माहौल रहता है, और आज मातम मेरी बड़ी मम्मी की वजह से छा गए। पर मैं वादा करती हूँ इस घर में ढेर सारी खुशियां लेकर आऊंगी। मेरा पति जिसने हमेशा मुझे खुद से पहले रखा, मुझे यूपीएससी टॉप करवाया, अपने पिया के इस घर में मैं ढेर सारी खुशियां लेकर आऊंगी। ये मेरी परीक्षा है कैसे इन सब के गुस्से को प्यार में बदलूं। आशीर्वाद दीजिएगा साईनाथ जी कि मैं सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दूं। ये सब तमाशा करके कुछ होगा नहीं, पर आगे बाबा के सामने जितने हाथ फैलाने फैला लो, कुछ नहीं होगा। तुमने अब तक सिर्फ मेरे प्यार की दीवानगी देखी, और अब मेरे गुस्से का तांडव देखोगी। मेरा प्रॉमिस है तुमसे, जो खाओ मेरी मां को मिले हैं तुम्हारे परिवार से, उसका हर जाना तुम्हें भुगतना होगा। ऐसा कोई काम नहीं जो भर नहीं सकता। तुम गुस्सा पालते रहो और मैं अपने प्यार से उस गुस्से को पिघलने पे मजबूर कर दूंगी। मैं परागी संजय पाठक कसम खाती हूं इस परिवार में और तुम्हारे दिल में वापस जगह बना कर रहूंगी। ठीक लड़की, इस घर की बची खुची सुख शांति भी बर्बाद कर देगी, इससे तो जितनी जल्दी छुटकारा मिल सके उतना बेहतर। आज माफी मांगते हुए घर में घुसी है,
कल उसी कानून की दलीलें देकर हर चीज पर हक से अपना हक जताएगी। सब ढकोसला है। आईएएस बनने के बाद कल किसी ने उसके टूटे रिश्ते के बारे में पूछ लिया तो क्या जवाब देगी? इसलिए अपनी इमेज को सुधारने के लिए यहाँ आई है। और वैसे भी कल को आईएएस बनने के बाद तो वो हम सबसे भी बड़ी बन जाएगी। प्रमोद बेबी, तुम दोनों को सोसाइटी में अपनी इमेज की पड़ी? अरे जरा सोचो, इस तरीके से बार बार संजू के सामने आती रही तो संजू को उसका फेलियर याद दिलाती रहेगी। सुषमा के सामने आएगी तो उसे वो मनहूस हादसा याद दिलाएगी। ऐसे तो ना हमारा संजू अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाएगा और ना ही सुषमा ठीक हो पाएगी। याद रखो, इस लड़की को कैसे भी करके इस घर से बाहर निकालना पड़ेगा।